कल वह मार्केट गया था, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, या फिर ही हैज गॉन टू मार्केट यस्टरडे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ना, कोई बात नहीं दूर करेंगे। हेलो लर्नर्स, इज अंकित फ्रॉम एबीसी स्किल्स, एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके लिए गाइस आप लोगों को चलना पड़ेगा मेरे साथ बोर्ड पे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड पे हम लोगों ने सबसे ऊपर लिखा है आई हैव डन बीकॉम, और यह है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। यानी जब भी कोई काम चलते चलते खत्म हो जाता है उसके लिए गाइस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, कोई भी काम चलते चलते खत्म हो जाए। इसके एंड में हम कई बार कहते हैं कि इस काम को मैंने कर लिया है, या फिर इस काम को मैं कर चुका हूँ, या फिर ये काम हो गया है। तो इन तीनों केस में गाइस आप हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते थे हो, आई यू वी डी के साथ हैव आता है, हिज नेम के साथ हैज आता है। तो आई हैव डन बी कॉम या फिर आई हैव कम्प्लीटेड बी कॉम, और ये गाइस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब पूछते हैं अपने सेकेंड सेंटेंस की तरफ, जो मेरा सेकेंड सेंटेंस है वो है आई डिड एम बी ए इन 2017, यानी मैंने 2017 में एम बी ए की थी। यहाँ पे गाइस हम नोटिस करोगे इन दोनों के डिफरेंस में कि यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्टेन टाइम को मेंशन किया है। तो यानी जब जब आप अपने सर्टेन टाइम को मेंशन करते हो तब तब गाइस वो आपका पास्ट का सेंटेंस होता है, पास्ट इनडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है। यहाँ पे गाइस आपने टाइम मेंशन किया है और यहाँ पे आपने कुछ भी टाइम मेंशन नहीं किया है। जैसे इंटरव्यूज में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं आई हैव डन बी टेक इन 2011, जो बिल्कुल गलत है। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सही क्या है, सही ये है आई डिड बी टेक इन 2011, हैज एव नहीं, यहाँ पे डिड वाली ग्रामर होगी। यहाँ पे गाइस मैंने आपको जैसे कहा था कि सर्टेन टाइम पे काम हमारा खत्म होता है तो वो हमारा पास्ट होता है सर्टेन टाइम, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे दे रखे, येस्टरडे एक सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम है, इसके अलावा डे बिफोर येस्टरडे हो गया, लास्ट संडे हो गया, लास्ट मंथ, फर्स्ट ऑफ माई कॉलेज, चाइल्डहुड, या फिर 2007। यानी जब भी गाइस आपने किसी सर्टेन टाइम पे काम खत्म किया वो आपका पास्ट है। और अगर आपने टाइम को मेंशन कोई नहीं किया कि आपने इसका खत्म किया है, चाहे कल किया हो चाहे 10 साल पहले किया हो, तो वहाँ गाइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने 3 Idiots मूवी देखी है, आपने कहा हाँ जी मैंने 3 Idiots मूवी देखी है, तो इसमें गाइस आपने कभी भी टाइम को मेंशन नहीं किया, आपने सिंपल बोला कि मैंने 3 Idiots मूवी देखी है। चाहे आपने फर्स्ट से फर्स्ट शो देखा हो, चाहे आपने 2 साल पहले मूवी देखी हो, चाहे आपने 2 दिन पहले ही मूवी देखी हो, लेकिन आपने कहा कि मैंने 3 Idiots मूवी देखी है, आई हैव वॉच्ड 3 Idiots। लेकिन अगर गाइस मैं आपसे पूछता हूँ कि कल रात को आपने वो मूवी देखी थी, आपने कहा हाँ जी मैंने देखी थी, कल रात को मैंने मूवी देखी थी, तो यहाँ पे आप समझ गए कि सर हमसे कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस आप कह दोगे यस्टरडे आई वॉच दैट मूवी, कि यहाँ पे गाइस आप लोगों ने सर्टेन टाइम के बारे में बात किया कल के बारे में, तभी हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में ये टॉपिक आपको ढंग से समझ आया होगा, और ढंग से अगर समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी खासी नॉलेज आपको मिलती रहे। ठीक है, तो फिल्म मिलेगी हम लोग नेक्स्ट टाइम, टिल एंजॉय सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।